हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीतेश मौर्या। चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर ए ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ए ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एक खास बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जितने भी ए ब्लॉक के एलिमेंट होंगे सबके सब क्या हो जाएंगे, सबके सब मेटल होते हैं। ठीक है, तो आप बताओगे यहाँ पर ऑल आर मेटल्स, सबके सब वहाँ पर मेटल्स होते हैं। और अगर ए ब्लॉक एलिमेंट की हम लोग बात करें, ठीक है, ए ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो इसको पढ़ने के लिए, ठीक है, सुविधा के तौर पर, ठीक है, इसको दो ग्रुप में बांट दिया गया। पहले ग्रुप को हम लोग यहाँ पर लेंथेनॉइड सीरीज के नाम से जानते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज के नाम से जानते हैं। दूसरे को हम लोग यहाँ पर एक्टिनॉइड सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ए ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ने के लिए यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो वहां पर उसको लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज में, दो सीरीज में उसको पार्ट दिया गया है। अब एक एक करके हम लोग इस सीरीज को देखते हैं। यहाँ पर एक बार लेंथेनॉइड को देखते हैं, फिर एक बार एक्टिनॉइड को देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं लेंथेनॉइड सीरीज किसको कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात और लिखी गई है, लेंथेनॉइड सीरीज को नॉर्मली इसको 4F सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 4F सीरीज क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर यह बताया गया क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ पर होती है लेंथेनॉइड्स के एलिमेंट के अंदर, तो उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में आता है, आप बताओगे 4F सबशेल के अंदर आता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, 4F सीरीज के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग डी ब्लॉक को पढ़ रहे थे, मैंने बताया 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। ठीक है, इसलिए उसको जाना जाता था क्योंकि 3D सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में आता था, 4D सीरीज में 4D सबशेल के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन आता था। वैसे ही लेंथेनॉइड सीरीज की बात करते हैं तो इसको 4F सीरीज के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहां पर भी क्या हो जाता है, इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन 4F सबशेल के अंदर इंटर करता है। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं इनकी पोजीशन कहां पर है। ठीक है, ये कहां पर पाए जाते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, ये कहां से जनरेट होते हैं। तो हम लोग अगर बात करते हैं थ्री थर्ड बी ग्रुप की बात करते हैं, डी ब्लॉक का जो पहला ग्रुप होता है थर्ड बी ग्रुप, ठीक है, जिसमें सबसे पहले ऊपर यहां पर स्कैडियम, इट्रियम, लेंथनम, एक्टिन। ठीक है, ये अगर इसको हम लोग पीरियड की बात करते हैं, ये आपको पता है ये फोर्थ पीरियड है, ये कौन सा है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये आपका सिक्स्थ हुआ और ये सेवन्थ पीरियड। ठीक है, सादे पीरियड होते हैं वहां पर, लेकिन हमको फोकस कहां पर करना है, जो यहां पर एल ए है लेंथनम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए लेंथनम कहां पर है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे थर्ड बी ग्रुप में और सिक्स्थ पीरियड में है। ठीक है, कहा जाता है यहां पर केवल आपको लेंथनम ही लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन आप ऐसा मान के चलो कि लेंथनम के अलावा यहां पर 14 और एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, लेंथनम के अलावा यहां पर 14 और एलिमेंट पाए जाते हैं और उन 14 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो लेंथनम से मैच करती है। इसी की वजह से इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेंथेनम के अलावा जो 14 यहां पर एलिमेंट पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स या फिर लेंथेनॉइड सीरीज के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहीं पर पाया जाता है। कभी अगर आपसे पूछा जाए लेंथेनॉइड सीरीज कहां से जनरेट होता है, तो आपको ये याद रखना है थर्ड बी और सिक्स पीरियड में, क्योंकि यहाँ पर लेंथनम के अलावा 14 और एलिमेंट पाए जाते हैं, ये यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड सीरीज के अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज होती है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर शुरू करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन से। ठीक है, लेंथेनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ओवरऑल पूरे लेंथेनॉइड्स का हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है यहाँ पर 4F, और 4F में इलेक्ट्रॉन 1 से 14 तक हो सकते हैं, 1 to 14। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पर 5D लिखना है, और 5D में वहां पर इलेक्ट्रॉन एबसेंट भी हो सकता है, वहां पर प्रेजेंट भी हो सकता है, तो मैक्सिमम वहां पर इलेक्ट्रॉन एक हो सकता है। ऐसे ही सिक्स की बात करते हैं, 6s, और याद रखना हमेशा इसमें दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6s2। अगर उसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन उसके एटॉमिक फॉर्म की करते हैं तो हमेशा याद रहे वहां पर 6s2 तो रहेगा ही रहेगा इलेक्ट्रॉन, हाँ 5d और 4f के अंदर ही वहां पर चेंज होते नजर आएंगे आपको। तो ओवरऑल ये इसका हो गया यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। अब हम लोग पूरे एलिमेंट का देखते हैं वहां पर कैसे किया जाएगा। चलिए, आपके सामने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखा हुआ दिखाई गया है। मैं आपको बता दूँ इसका, ये लेंथेनॉइड्स हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो मैंने आपको पहले बता दिया, 4F 1 to 14, 5D 0 to 1,
सिक्स एच टू, और मैंने बताया था सिक्स एच टू आपको हमेशा ही मिलने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा इसके एटॉमिक फॉर्म में। हम 5d की बात करते हैं, यहाँ पर कहीं पर आपको दिखेगा जीरो, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कहीं पर होगा तो मैक्सिमम एक हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर 4f की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉन में चेंजेस, आपको यहाँ पर दिखने वाले 1 से लेकर 14 तक कुछ भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हो सकते हैं। चलिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर लेंथेनॉइड्स में मैंने आपको पोजिशन बताई थी, 3rd b और 6th पीरियड में रखा गया है, वहाँ पर लेंथनम आपको दिखाई देता है। मैंने बताया था लेंथनम के अलावा वहाँ पर 14 और एलिमेंट रखे गए हैं, जिसको हम लोग लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं, ठीक है, या फिर 4f ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, 57 तो लेंथनम का हो गया, इसके अलावा 58 से लेकर के 71 तक के यहाँ पर लेंथेनॉइड्स होते हैं, ठीक है, 58 से लेकर के 71 तक लेंथेनॉइड्स होते हैं। आप पूरा टोटल काउंट करोगे, यहाँ पर आपको 14 मिलने वाला है सबका। मैंने यहाँ पर उनका जो भी रिप्रेजेंटेशन है उनको लिखा है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है वहाँ पर किसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है। फिर हम लोग बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर को, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर सबका +3 ऑक्सीडेशन नंबर पाया जाता है, सबका +3 होगा, जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं सबका +3 ऑक्सीडेशन नंबर पाया जाता है। अगर हम लोग सीजियम की बात करते हैं, सीई, ठीक है, ये +4 ऑक्सीडेशन नंबर भी रखता है। और ऐसे अगर टीवी की बात करते हैं, यहाँ पर ये भी क्या करता है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर को रखता है, ठीक है। काफी लोग यहाँ पर ऐसे भी होते हैं जो +2 ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको याद रखना है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पर सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे, तो आप बताओ कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होगा वही क्या हो जाते हैं, सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। सीई और टीवी क्या होता है, सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगर रिड्यूसिंग का पूछा जाए तो आप बताओ कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम होगा वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे मेन जो है हमको देखना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, उसके एटॉमिक फॉर्म का हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद कैसे रखना है, 58 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सीजियम का, ठीक है, सब में हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 4F, 5D और 6S करके देखना है, 4F, 5D, 6S ऐसे सब में देखना है। तो हम लोग बात करते हैं सीजियम की, सीजियम में क्या होता है, 4F में एक इलेक्ट्रॉन, 5D में एक इलेक्ट्रॉन और 6S2 हमेशा ही बना रहेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, आपके माइंड में पूरा ऐसे चलना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ तरीका याद करने का। तो जो पहला मेंबर है सीजियम, यहाँ पर क्या होगा, 1-1, ठीक है, एफ पे 1 होगा, डी पे 1 होगा। फिर बात करते हैं पी आर की, बात करते हैं अगले मेंबर पर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 4F3 और डी क्या हो गया, 0। तो कहने का मतलब 4F1 तो आपको मिल रहा है लेकिन 4F2 आपको नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊँ, 6S2 तो सब में कॉमन है, आपको ऐसे याद रखना है, सीजियम में 1-1, अगले वाले मेंबर में क्या, 3-0, उसके नेक्स्ट वाले में क्या, 4-0, मतलब यहाँ पर डी में एक इलेक्ट्रॉन था लेकिन अगले मेंबर में क्या हो जाता है, डी का भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है और जो अगला हम लोग पहुँचते हैं यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है 4F में। तो कहने का मतलब 4F के अंदर एक से डायरेक्ट 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगले मेंबर की बात करते हैं, 4-0, फिर अगले में क्या हो जाएगा, 5-0, फिर 6-0। तो कहने का मतलब अब जो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सबके सब 4F के अंदर ही जा रहे हैं। फिर अब क्या हो जाता है, 7-0, 7-0, अब लगता था कि 8-0 होना चाहिए लेकिन 8 नहीं आता है, क्यों पता है क्यों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 7 जो होता है वो हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन होता है, याद रखना यहाँ पर 7 जो होता है हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन होता है और ये एलिमेंट्स चाहते हैं कि हम अपने हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बना के रखें। इसलिए यहाँ पर जो ई यू है, ठीक है, यहाँ पर तो कम सा नियम जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा था क्योंकि इसके बाद से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफ में आ रहा था, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा था, क्रम सा 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा बढ़ता गया, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पर जी डी, और जी डी के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जी डी के पास हम लोग आते हैं तो जी डी में क्या हो जाता है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 8 नहीं हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है। अब समझ में आ रहा है कि 8 यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमको पता है 4F हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन है और ये चाहता है जी डी चाहता है कि मेरा हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन बना रहे क्योंकि हाफ फिल्ड वाला कुछ ज़्यादा ही स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जा रहा है अब तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन तो फिलिंग करनी ही पड़ेगी। फिर टीबी की बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, अगले मेंबर में अब क्या हो जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है इसमें और जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वो भी इसमें आ जाता है, 7 से डायरेक्ट क्या हो जाता है, 9-0। तो कहने का मतलब अभी आपको क्या मिला है, 2 मिसिंग मिला है, 4F नहीं पाया जाए, 4F2 नहीं पाया जाएगा और 4F8 नहीं पाया जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर 9 आ जाता है। फिर अगला आते हैं हम लोग, जैसे 10 हो गया, 10-0, फिर 11-0, फिर 12-0, 13-0, फिर 14-0, अभी एक मेंबर और बचा है। अब आपको क्या लगता है, यहाँ पर 15-0 होना चाहिए, नहीं,
14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है एफ में, आपको पता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, अब ये अपने स्टेबल कॉन्फिग्रेशन को बना के रखता है, इसके बाद का जो एक और इलेक्ट्रॉन आता है वो कहाँ पर चला जाता है, डी में। तो ये आपको याद रखने पड़ा, कैसे याद रखने, देखो 11 30 40 50 60 70 71, उसके बाद 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 15 सॉरी 13 0 14 0 14 1, ऐसे याद रखना है। अब आपको ऐसे कैसे याद होगा, इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, आपको ये पूरा पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने कोड लिख दिया है, कोड में क्या बताया है ये आपको ध्यान देना है। जैसे कि सीई के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने कोड लिखा है, कोड में है साकी फिर नादे पैमाना समझ यूना ज्यादा तड़पाना दिखता है अरमान तमन्ना अभी लूट कर ले जाओगे। यहाँ पर जो लास्ट का ले जाओगे वो आपको बता रहे कि आप लेंथेनाइड पढ़ रहे हो। अब देखते हैं एक बार फिर से, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया साकी फिर नादे पैमाना समझ यूना ज्यादा तड़पाना दिखता है अरमान तमन्ना अभी लूट कर ले जाओगे। साकी का मतलब सी ई, फिर का मतलब पी आर, पी आर किसको बता रहा है, फिर ना दे मतलब एन डी, ना दे एन डी, पैमाना पी एम, पैमाना पैमाना किसको बता रहा है, पी एम को, समझ सम ठीक है किसको बता रहा है, एस एम को, यू ना ई यू, यू ना ठीक है यू ना बता रहा है ई यू को, फिर उसके बाद ज्यादा जी डी ज्यादा ठीक है जी डी को बता रहा है, तड़पाना ठीक है तड़पाना किसको बता रहा है, टी बी ठीक है, ऐसे दिखता डी क्या हो जाएगा, डी वाई ठीक है, डी वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है दिखता है, किसको बता रहा है, एच ओ को, अरमान, अरमान को हम क्या कहते हैं, आर ठीक है ई आर ठीक है आर, यहां पर ई आर ऐसे याद रखते हैं इसको, तमन्ना त म टी एम तमन्ना, अभी, अभी का मतलब वाई बी, अभी वाई बी लूट कर एल यू। तो आपको पहले अगर ये सीक्वेंस याद है, साकी फिर नादे पैमाना समझ यूना ज्यादा तड़पाना दिखता है अरमान तमन्ना अभी लूट कर, देखिए ये पूरा कोड है क्रमशः पढ़ रहा है किसके ऊपर, ठीक है लेंथेनॉइड्स के ऊपर, ये 58 से लेकर के 78 है, अगर आपको ये पूरा रटा हुआ है ठीक है तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। जैसे आपको पहला मेंबर समझ में आया ठीक है 11, उसके बाद 30 40 50 60 70, फिर उसके बाद रुकना है थोड़ा 71 8 वाला गैप है, 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 14 1, तो आपको क्या करना है इसके साथ याद रखना है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए जी डी, तो जी डी किस पे पड़ रहा है, आप देखोगे कौन से नंबर पे आएगा, आप याद रखोगे साकी फिर नादे पैमाना समझ यूना ज्यादा, तो आप बताओगे 5 6 7 सातवें पे पड़ रहा है ठीक है, ज्यादा का मतलब जी डी सातवें पे, आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 सातवें पे पड़ रहा है ठीक है, ये सातवें पे पड़ा। अब सातवें पे कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होना चाहिए, तो आप कैसे याद रखोगे 11 30 40 50 60 70, उसके बाद 70 का 71, ऐसे आपको याद रखना है 71, तो मतलब सातवें पे ज्यादा पड़ रहा था ठीक है, ज्यादा का मतलब जीडी कौन से नंबर पे आ रहा है, सातवें पे, और सातवें का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपने ये देख लिया ठीक है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए ई आर, ई आर का क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना आपके कोड में ई आर कहां पर आ रहा है, तो आप देखोगे साकी फिर नादे पैमाना समझ यूना ज्यादा तड़पाना दिखता है अरमा, अब यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें पे पढ़ रहे हैं। अब आपको ये पूरा रटा होना चाहिए ऊपर से नीचे तक कैसा है, फिर 11वां जब आएगा आपको उसी पर रुक जाना है, 11 30 40 50 60 70, फिर आपने कहा 71 ये कहां तक का था, अब बताओगे ये सातवें तक का था, फिर आठवें पे क्या है 90, फिर नौवें पे क्या है 10 0 10 0, फिर दसवें पे आ जाता है यहाँ पर 11 0, और जैसे 11वें पे आते हैं ये 12 0, और वही आपका इसका हो जाएगा ठीक है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आप ऐसे ही इसको याद रख सकते हो, अगर आपने सोचा कि 58 का 1:2 2:3:2 ऐसा करके चलते हैं तो वो आपका वहां पर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए +3, इसका +3 आयन के साथ पूछा जाए, ध्यान देना +3 आयन के साथ, उसके बाद सिंपल ही हो जाता है। अब देखो +3 आयन के साथ हुआ तो 4F1 आया, 4F2 दूसरे मेंबर पे, तीसरे पे 3 आया, चौथे पे 4 आया, पांचवें पे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये क्रमशः बढ़ता चला जा रहा है, आपको खुद दिख जाएगा जो पहला मेंबर है लेंथेनॉइड्स का उसका 4F1 पड़ेगा, आठवें पे जाओगे तो 8 पड़ेगा, नौवें पे 9 पड़ेगा, जिस नंबर पे जाओगे 4F पे वही नंबर पड़ने वाला है। तो +3 आयन के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एटॉमिक फॉर्म है तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ठीक है, क्योंकि इसका नाम जो रियल का है वो
आपको याद नहीं रखना है, ठीक है? आप उसको याद करोगे, आप याद ही करते रह जाओगे। इसका रिप्रेजेंटेशन आपको याद होना चाहिए, और जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कौन किसके लिए कोड कर रहा है, देखिए ये कोड आपका अगर क्लियर है तो आप आसानी से इसको बता सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा ऊपर से पूरे 14 तक आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद कोई भी कोड आता है तो आपको देखना है आपके इस कोई भी यहाँ पर आता है एलिमेंट्स, आपको देखना आपके कोड के हिसाब से वो किस नंबर पर पड़ रहा है। जिस नंबर पे पड़ेगा उस नंबर का एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन आप देखो और आप बताओ, तो इस नंबर पे ये है, सातवें नंबर पे जीडी है, तो सातवें नंबर का आपका क्या होना चाहिए? जब आपको ये पता होगा पूरा सातवें नंबर पे क्या आता है, आसानी से आप बता सकते हो। थोड़ा तो आपको याद तो रखना पड़ेगा ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा तो काफ़ी लोग इसको छोड़ते हैं। आपको ये करना है, ठीक है? कोड एक बार फिर से, साकी फिर नादे पैमाना, समझ यू ना ज़्यादा तड़पाना, दिखता है अरमान तमन्ना, अभी लूट कर ले जाओगे। ये लास्ट का जो ले जाओगे ये बता रहे हैं आप लेंथेनॉइड्स पढ़ रहे हो, ठीक है? तो ये था यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगली प्रॉपर्टीज लैंथेनॉइड्स की, वो है एटॉमिक एंड आयनिक साइज, एटॉमिक और आयनिक साइज। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, चाहे एटॉमिक साइज को देखें हम लोग, चाहे आयनिक साइज की बात करते हैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर लैंथेनॉइड सीरीज में बढ़ता चला जाता है, इनका साइज भी घटता चला जाता है। तो कहने का मतलब, अगर हम लोग बात करें एल ए लेंथ ना, ठीक है, एल है क्योंकि प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो मैंने बताया इन सबको लेंथेनॉइड क्यों कहा जाता था, क्योंकि लेंथेनम के अलावा जो 14 एलिमेंट पाए जाते हैं सबकी प्रॉपर्टीज लेंथेनम से मिलती जुलती। तो हम लोग जब यहाँ पर पढ़ते हैं कोई भी प्रॉपर्टीज तो लेंथेनम को भी वहाँ पर ले लेते हैं। कहा गया एल ए से अगर हम लोग एल यू चलते हैं, लेंथेनम का लास्ट मेंबर, ठीक है? यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं, मतलब जैसे क्रमशः उसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहा गया वहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बताओगे एल ए से एल यू जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा। और एक चीज़ और याद रखना है, वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता चला जाता है, और आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का साइज या फिर रेडियस के साथ क्या रिलेशन होता है, उल्टा वो घटता चला जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों घटता चला जा रहा है, ठीक है, तो आप बताओगे रीजन, क्या बताओगे? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, आपको याद रखना है वहां पर ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आप बताओ ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं यहां पर, कहा गया यहां पर इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं पुअर, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है? याद रखना है यहां पर पुअर शील्डिंग ऑफ किसका, 4f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4f इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग होने की वजह से ऐसा इफेक्ट आता है, क्योंकि एफ में जो इलेक्ट्रॉन आता है उम्मीद ये की जाती है F जो होता है 4F में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है? आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर, अगर आप देखो आप ऐसा कह सकते हो, अगर ये न्यूक्लियस हुआ, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो मान के चलो यहाँ पर बहुत सारे सेल हैं, ऐसे कुछ होगा, अगर ये आउटर सेल है, ठीक है, जिसको लोग N कहते हैं, इसको क्या बताएंगे N-1, इसको क्या कहेंगे N-2। और आपको बताएं इस लेंथेनॉइड में होता क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ना तो आउटर सेल में जाते हैं ना तो N-1 में जाते हैं, वो कहाँ पर जाते हैं, वो N-2 वाली सबशेल में जाते हैं। जब वो N-2 में जाते हैं तो उम्मीद ये की जाती है कि ये जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर जो इस वाले आउटर सेल में होंगे इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर रिपल्शन लगाएगा, लेकिन आ तो जाता है लेकिन रिपल्शन नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में आता है, ठीक है, और वो इतना बड़ा होता है कि उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर होते हैं, और वो सब क्या करते हैं, इतना दूर दूर होता है कि इन सबके ऊपर बहुत ही पुअर रिपल्शन फोर्स लगाते हैं, ठीक है? जब ज्यादा फोर्स लगाएंगे नहीं तो रेडियस ज्यादा बढ़ेगी नहीं, तो इसीलिए कहा जाता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन इसी को कहा जाता है जो मैंने आपको यहां पर समझाया, ठीक है? तो आपसे इतना ही पूछा जाएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से एल ए से एल यू जाते हैं तो रेडियस घटने लगती है। अगर आप कभी भी पूछ ले लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन होता क्या है, आप बताओगे इम्परफेक्ट या फिर पुअर सेलिडिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाता है यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी थी एटॉमिक एंड आयनिक साइज। चलिए यहाँ पर हम लोग तीसरी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और मैं आपको बता दूँ जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करता है वहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इसके किसी भी +3 आयन्स की बात करते हैं, ठीक है, जो इसका सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है लेंथेनॉइड्स का +3 ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाले आयन्स में अगर हम लोग बात करें, तो ये बताया गया अगर हम लोग एल ए से लेंथेनम से जीडी की तरफ जाते हैं, ठीक है, एल ए से जीडी जाते हैं +3 ऑक्सीडेशन के साथ, तो आप बताओगे वहां पर क्या हो जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते चले जाते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर 0 to 7,
अब बताओ कि ये इंक्रीज करता चला जाता है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर बढ़ेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते चले जाते हैं, जीरो से ऐसे बढ़ते बढ़ते 7 तक चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं अगर जी डी से हम लोग लास्ट वाला मेंबर एल यू तक जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या हो जाएंगे, 7 से घटते घटते 0 तक आ जाता है, ऐसे घटता, ठीक है। तो ऐसा कुछ वहां पर चेंजेस होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर। अब आपको जो याद रखना है जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मायने रखता है यहाँ पर। तो आपसे ये पूछा जाएगा कुछ ऑप्शन दे करके, इसमें से कौन डायमैग्नेटिक है, कौन यहां पर आपसे पूछा जाएगा पैरामैग्नेटिक है। तो आपको याद रखना है यहां पर, ऑलरेडी पहले से याद रखना है, कहा गया यहां पर कहीं पर भी अगर 4F और 4F40, ठीक है, 4F0 या फिर 4F14 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा किसी भी आयंस में, सबके सब क्या हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। एग्जांपल आपको याद रखना है, एग्जांपल की अगर हम लोग बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल ही पूछा जाता है, Na3+ जिसका कॉन्फ़िगरेशन 4F0 होता है, इसके बाद बताया गया यहाँ पर Lu3+ जिसका कॉन्फ़िगरेशन 4F14 होता है, ठीक है, ये सब हो गया। और नोट करके आपको जो याद रखना है, ठीक है, बताया गया Ce4+ एंड Yb2+ आल्सो डाय, ठीक है। तो याद आपको रखना है कि Lu, ठीक है, अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लालू क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक, प्लस थ्री याद रखना, ठीक है, लालू ये क्या हो जाते हैं, लालू ये डायमैग्नेटिक होते हैं प्लस थ्री वाले। इसके अलावा Ce Yb ये भी क्या निकलते हैं यहाँ पर, डायमैग्नेटिक ही होते हैं, ठीक है। बताया गया अगर इतने आयंस को छोड़ दिया जाए सबके सब क्या हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जाता है अगर इन सबको छोड़ दिया जाए तो सबके सब आपको वहां पर पैरामैग्नेटिक मिलने वाले हैं। तो पैरामैग्नेटिक के केस में अगर हम लोग देखें, तो आपको यहां पर याद ही रखना है Na3 Lu3+ Ce4+ एंड Yb2+, ठीक है, इन सब को छोड़ करके, ठीक है, सबके सब क्या हो जाते हैं वहां पर, सबके सब क्या हो जाते हैं वहां पर, पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो आपको याद रखना है इनके अलावा, आप लिख सकते हैं इन सबको छोड़ करके एक्सेप्ट ये, ठीक है, इनको छोड़ करके ऑल और पैरामैग्नेटिक, ठीक है, सबके सब पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। तो आपको याद क्या रखना है, बस डायमैग्नेटिक तो याद रखना है, इसके अलावा जो कुछ भी देखा आपको पैरा लगाना है। और डायमैग्नेटिक में सिंपल सा है, लालू Ce Yb, ठीक है, लालू 3+ वाले हैं, Ce क्या हो जाएगा 4+, Yb क्या हो जाएगा 2+, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, डाया, बचे हुए पार्ट जो भी होंगे जितने भी आपको आयंस मिलेंगे सबके सब पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। चलिए अगली प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं यहाँ पर, कलर, लेंथेनॉइड कंपाउंड जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। अब बात आते हैं कलर होते हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन ये कलर क्यों होते हैं, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे ड्यू टू, ठीक है, यहाँ पर याद रखना FF ट्रांजिशन, ठीक है, यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया था डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर्ड होते थे, क्यों होते थे, तो उसका रीजन आपने क्या बताया था, ड्यू टू DD ट्रांजिशन, वैसे यहाँ पर क्या है आपको याद रखना है, ड्यू टू FF ट्रांजिशन, ठीक है, सेम उसी की तरह कॉन्सेप्ट है, एफ ब्लॉक में अगर कलर आता है तो FF ट्रांजिशन, डी ब्लॉक में आता है ड्यू टू DD ट्रांजिशन, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे हमको एग्जाम्पल याद रखना है कौन कलर्ड होगा कौन कलरलेस होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कलर कौन होगा, उसी पर सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं कलरलेस वाले, कलरलेस की हम लोग बात करते हैं, तो याद रखना यहां पर कलरलेस में बताया गया है आपको याद ये रखना है Na3+ Lu3+ एंड Gd3+, ठीक है, ये सबके सब क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है यहां पर Na3+ Lu3+ Gd3+ ये सबके सब क्या हो जाते हैं, कलरलेस होते हैं। तो याद रखने का तरीका, आप कैसे इसको याद रख सकते हो, एक आसानी से आप इसको याद ऐसा रख सकते हो, लालू GD, ठीक है, आप इसे याद रख लेना, लालू की गड्डी कलरलेस, गड्डी का मतलब GD, ठीक है, गड्डी का मतलब GD, तो आप इसे याद कर सकते हैं लालू की गड्डी कलरलेस, तो सिंपल सा हो गया LaLuGD, ये सब क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन नोट करके यहां पर एक बात और लिखी गई है, उसको भी आपको याद रखना है, कहा गया है एक्सेप्शनली Ce3+ एंड Yb3+ आर आल्सो
क्या हो जाता है, ये भी कलरलेस हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको पहले याद रखना है LUGD, ठीक है, LALUGD, ये कलरलेस होता है। इसके अलावा एक्सेप्शनली, जो कि होने नहीं चाहिए थे लेकिन देखा जाता है, तो ये भी निकल के आ जाते हैं कलरलेस। ठीक है, CE3+ और YB3+, ये भी कलरलेस होते हैं। तो आपको याद रखना है लालू की गड्डी कलरलेस, इसके अलावा CE3+ YB3+, सबके सब क्या हो जाते हैं, कलरलेस होते हैं। अब आप बताओगे कलर कौन होगा, अब बताओगे बचे हुए जितने भी होंगे सबके सब क्या हो जाएंगे, कलर्ड हो जाएंगे। कलरलेस वाले को याद कर लो, बचे हुए पार्ट क्या हो जाएंगे, कलर्ड हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया डायमैग्नेटिक वाले को याद कर लो, बचे हुए क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। और आपको बताया क्वेश्चन इसी पे ही सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, कौन डाया होगा, कौन कलर्ड होगा, कौन पैरा होगा, कौन कलरलेस होगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पर जरूर देखना है, इसको याद करके आपको वहां पर रखना है। ठीक है,